हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ रघुवीर सिंह आपके पास। तो क्या होता है कि आज हम बात करेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार होता क्या है? तो जब भी देखा जाए, जब भी अपन सुबह से उठ के शाम तक, सुबह मॉर्निंग को उठते हैं और शाम को जल्दी, या अपन जितने भी टाइम्स होते हैं, तो शरीर को चलाने की आवश्यकता होती है ऊर्जा की। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो अपने शरीर को चला नहीं पाएंगे। और ऊर्जा कहाँ से आएगी? कि सही अनुपात में अपन भोजन करेंगे, सही अनुपात में भोजन करेंगे। जैसे कि भोजन में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो इन तत्वों का समान अनुपात होना चाहिए, तब जाके हमें सही तरह से एनर्जी मिलेगी। और प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इस तरह के पदार्थ अगर शरीर को मिलेंगे तभी जाके अपना शरीर चल पाएगा। तो दोस्तों जैसा कि प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, खाद्य रेशे होना चाहिए, है ना? तभी तो पोषक तत्व, जैसा कि अपन सुबह मॉर्निंग को सलाद खाते हैं या भोजन के साथ कुछ वृक्षांश करते हैं, रफेज, तो वो भी होना चाहिए, तब जाके अपना शरीर चल पाएगा और पूर्ण एनर्जी मिल पाएगी। नहीं तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे स्कर्वी, आयोडीन, उधर से क्या बोलते हैं, प्रोटीन की कमी से, आयोडीन गलगंड की कमी से स्कर्वी हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे, एक होता है लोहा, लोहे की कमी से क्या होता है दोस्तों, अरक्तता हो जाती है, अरक्तता, कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। विटामिन बी बेरी बेरी हो जाता है, और विटामिन डी धूप की कमी से होता है वैसे, और ए थायमिन जो भी है, विटामिन ए। तो ये सारे मतलब भोजन आवश्यक होना चाहिए, समानुपात में भोजन करना चाहिए दोस्तों। तो नमस्कार, आप डेली समय पर भोजन करें और सही तरह से पानी पिए, पानी की मात्रा कम नहीं होना चाहिए तो बीमारियां नहीं बढ़ेगी। और कोरोना का विशेषकर ध्यान रखें, अभी कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करते हैं, करिए, धन्यवाद। देखते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ये हमारा बच्चा है विपिन कुशवा, तो ये भी देख रहा था अभी, तो धन्यवाद दोस्तों।